हमीरपुर बस अड्डे के सामने खोखा धारकों को हटाने के कवायद शुरू होने के बाद खोखा धारक हाईकोर्ट चले गए थे। सालों से अपनी रोजी रोटी कमा रहे खोखा धारकों को 15 दिन का नोटिस दिए जाने के बाद खोखा धारकों में गहरा रोष है। खोखा धारक वीरेंद्र मल्होत्रा ने जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को अत्याचार पूर्वक कार्रवाई करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को खोखा धारकों को उजाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। मल्होत्रा ने कहा कि प्रशासन के द्वारा बनाए गए खोखे बहुत छोटे हैं, इसलिए प्रशासन को खोखा धारकों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से काम करते हुए एक बार फिर सोचना चाहिए। बस अड्डा के सामने सड़क किनारे बने खोखों को हटाने के लिए फिलहाल 15 दिनों की अंतरिम रोक लग गई है। खोखा धारकों को खोखों को खाली करने के लिए दिए गए अल्टीमेटम के बाद खोखा धारकों वीरेंद्र मल्होत्रा हुकुम चंद ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसके कारण अब हाई कोर्ट ने 15 दिन की अंतरिम रोक कार्रवाई पर लगाई है। खोखा धारक वीरेंद्र मल्होत्रा ने बताया कि पिछले 3 दशकों से खोखा धारक नगर परिषद को मासिक किराया दे रहे हैं। अब जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह की कार्यवाही के लिए दिए जा रहे आदेशों से खोखा धारक उजड़ जाएंगे। वीरेंद्र मल्होत्रा ने बताया कि जिला प्रशासन जबरदस्ती खोखा धारकों पर कार्यवाही करने के लिए तैयारी कर रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा बनाए गए खोखों में जगह बहुत कम है और ऐसे में खोखे चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्रशासन इस तरह खोखा धारकों पर जबरदस्ती कार्यवाही ना करे। मैं वीरेंद्र मल्होत्रा, सीनियर व्यापारी हूँ। मैं 1970 से क्या 1960 से बिजनेस कर रहा हूँ, बचपन से ही। बचपन पूरी जवानी अपनी, अब तो बूढ़े हो चले, 65 का हो गया हूँ। मेरी शॉप एक बस स्टैंड पे है, 88 में मैंने नगर परिषद से ली और वहाँ मैं अपनी रोजी रोटी चला रहा हूँ, अपना बिजनेस चला रहा हूँ। 1988 से अंदाजा 32 साल हो गए। अब इतने पुराने हम हैं, अपने सारे दुकानदार बेचारे छोटे छोटे रुपए ठंडी ठंडी दोनों गड्डी करके अपने परिवार को पाल रहे हैं। कमेटी के किराएदार हैं, रसीदे हमारे पास हैं, सब कुछ है, पूरे सबूत है हमारे पास। लेकिन ये अचानक ही पता नहीं क्या हो गया प्रशासन को कि पीछे चलो या दुकानें गिरा देंगे। हर वक्त तलवार लटका दी हमारे ऊपर, 15 दिन का खाली करने का नोटिस दे दिया। ये नहीं लिखा भी कहाँ बसाएंगे, कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे, कहाँ नहीं, बिना सोचे समझे अचानक जैसे कोई एटम बम भी फेंक दिया। वो सारे लोग परेशान हो गए, सारे दुकानदार उनके परिवार परेशान हो गए कि क्या बना यार, ये क्या अचानक हो गया। कोई भी बात होती है सहमति से होती है, बिना ये तो सरासर अत्याचार प्रशासन की तरफ से। हम खुद मिलेंगे, जिला जी साहब से मिलेंगे, अपनी प्रार्थना की, प्रतिनिधि मंडल मिला, सारे को 40-50 लोग मिलने के दफ्तर में, इनके ऑफिस में प्रार्थना की कि ऐसा मत करो, हमें उजाड़ो मत, ठीक है। एक लाइन दुकानें पीछे के रोड को खुला करना करो, हम प्रशासन के साथ हैं। 10-15 फुट पीछे करना, पीछे जगह है, कम से कम 70-80 फुट खाली जगह है। पहले से भी हमने यही बात की, रिक्वेस्ट की कि हमारी पीछे दुकानों के पीछे जगह है, वहाँ नई मार्केट बना दो, एक लाइन में बना दो। एक ऐसी बात, इन्होंने कोई हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। हम जाते हैं कि रोड खुला करना, प्रशासन के साथ है, करो भाई, गिराना है गिरा दो, नया पहले बनाओ, पहले उनको बसाओ, फिर वहाँ से उखाड़ो। और इससे पहले 2002 में भी जिला प्रशासन के डीसी ने हमें सेल्फ फाइनेंस के तहत दुकानें बनाकर देने का प्रॉमिस किया और हम लोगों से 50,000 रुपया लिया और 3 साल के बाद हमारे को वो 41,000 रुपया वापस किया। क्यों भाई, कम से कम 60-70 हज़ार रुपये ब्याज सहित मिलना चाहिए था, स्कीम नहीं सिरे चढ़ी। तो इसने भी हमारे साथ धोखा किया, कितना बड़ा धोखा किया, खर्चे काट लिए जी, वो ड्राइंग खर्चा जी, वो फलाना खर्चा जी, तो मिला क्या हमारे को, धोखाधार को कुछ नहीं मिला। वो फिर स्कीम ठंडे बस्ते में पड़ गई, हमें वो भी अब हम प्रशासन से पैसा लेंगे, विद ब्याज लेंगे, जितना हमारा सारे गरीब आदमियों को लॉस हो रहा है। हमारा कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हम रोजी रोटी कमा रहे, हमारे पास टाइम ही नहीं, फुर्सत ही नहीं है। सारे तनाव में आ गए, सारे बंदे टेंशन में, इस वक्त पता नहीं क्या बनेगा, हमारी रोजी रोटी चल जाएगी,
अच्छा जो पीछे बनाया कोई कम्प्लेक्स बनाया चार चार फुट की, वो सावधानी है कबूतर खाना है वहाँ, तो कोई भी बंदा जाके बस के राजी नहीं है, तीन मंजिल पे कौन जाएगा। सबकी मांग है, जितने भी खोखादार रखे हैं सबकी यही मांग है कि एक लाइन में नीचे दुकानें बना दें। हमें कोई एतराज नहीं, पीछे जाने को भी हम तैयार हैं, हम तो हमेशा शहर को सुंदर बनाना है, तो किसी तरह की हमारे भी सहयोग की जरूरत है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम प्रशासन को सहयोग दें। पर जहाँ प्रशासन गलत कर रहा है, कभी अवैध कब्जे हुए जी, कभी उनको बिजली पानी काट दो जी, कभी क्यों भी हमको चोर डाकू हैं, किस चीज़ की सजा देनी है हमारे को, किस चीज़ की सजा है, प्रशासन का फर्ज बनता है कि हमारी मांग को सुने, हमारी मदद करने को, हमारे को ऐसा तंग करने के लिए है ये लोग, हमारी मदद करें, हमारी पुकार को सुने, हम भी आपके साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं, हम मीरपुर हमारा, हमने मीरपुर में ही रहना, ये अधिकारी आज है कल नहीं है, कल को इनकी बदली हुई नहीं है, लेकिन क्यों तंग कर रहे हैं। रही बात हाईकोर्ट, हमें दुखी हो गए, बड़े परेशान हो गए, हजारों रुपये खर्च करके हमें शिमला जाना पड़ा, हाईकोर्ट में स्टे ऑर्डर लेना पड़ा, ये पता नहीं कब बुलडोजर लेके आ रहे हैं, यही बोला जी आपके लिए डेड लाइन है, कभी ये इतने दिन की है, कभी परेशान हो गए। सुखचंद शर्मा जी उनकी 48 नंबर शॉप है, मैं वरिंदर बलोत्रा मेरी 47 नंबर शॉप है, हमने हाईकोर्ट में स्टे किया लिया है, 25 तारीख थी पहले, अब 15 दिन का और टाइम उन्होंने डेट डाल दी कि ये अपना पक्ष रखें। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।